अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं। नाश्ते से फारिग होने के बाद मैं आई अपने गार्डन में। मेरे गार्डन में आप देख रहे हैं काफ़ी प्लांट्स आगे पीछे हुए हुए हैं, कुछ मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है। और ये हाल मेरे गार्डन का अक्सर व बेशतर सुबह के टाइम होता है जब मैं अपने प्लांट्स को पीछे से आगे की तरफ करती हूँ। और चूँकि इतनी जगह होती नहीं है कि हम अपने प्लांट्स को आप कुछ सेट करके रखें, इसलिए मुझे अपने प्लांट्स को बहुत जोड़ जोड़ कर रखना पड़ता है। और फिर आगे सुबह के टाइम इसलिए करती हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड प्लांट होते हैं, एक तो पानी डालने का मसला होता है, और दूसरा ये कि जब उनके दरमियान एयर पास नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा इसमें कीड़े वगैरह भी लग जाते हैं। लिहाजा ये प्लांट्स मेरे काफ़ी देर तक ऐसे रहेंगे, 2-3 घंटे। जब पानी डल जाएगा मैं इनको वॉश कर लूँगी, फिर पीछे कर दूँगी। और ये हाल जो इस वक्त थोड़ा ज़्यादा हो गया है वो इसलिए भी कि आज मैं अपने गार्डन का एक बहुत ही फेवरेट काम कर रही हूँ, जो मुझे गार्डनिंग में हम सभी का फेवरेट होता है। एक फेवरेट काम तो ये भी होता है कि जब हम अपने फ्रूट्स की, अपने वेजिटेबल की हार्वेस्टिंग करते हैं, और एक काम ये होता है जब हमने प्लांट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जब प्लांट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब उसको निकाल के उनके मज़ीद कई पॉट्स तैयार कर लेते हैं। चूँकि कराची में 3-4 दिन से बल्कि बारिश हो रही है और इतना अच्छा लग रहा है, एक टाइम पे बारिश होती है और अब तो हमें वेट है, आज भी वेट है कि बारिश आज भी हो। तो ये टाइम है रेनी सीज़न, यानी रेनी सीज़न चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, आज बारिश के लिए कहा गया है। तो मैं भी जल्दी जल्दी अपनी कटिंग्स वगैरह भी मैं लगाऊंगी, कुछ रिपोर्ट किया प्लांट्स, कुछ को मैंने एक बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गए थे तो मैंने दूसरे में लगाए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मशवरा दूँ कि आप लोग भी अगर करना चाहते हैं, और चूँकि कल छुट्टी अक्सर लोगों की होगी, परसों भी टाइम मिल जाएगा, पर तो आप लोग जल्दी जल्दी ये कर सकते हैं और अपने पास सारे प्लांट्स को इस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने किया क्या है, मैंने किया ये कि मेरे बहुत सारे, आप ये देखिए, फाइलोडेंड्रॉन के जो प्लांट्स थे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो रहे थे। वैसे मैं बनाऊंगी इस पर वीडियो, मुझसे कहा भी है कि वीडियो बनाइएगा आप जब कीजिएगा, तो मुझे भी कोकोकोए की स्टिक्स भी लानी है, कुछ मैं घर में भी बनाऊंगी स्टिक्स, बता दूंगी आप लोग को कि कैसे बनानी है। वो स्टिक्स भी बहुत अच्छी होती है, हम अपने घर की वेस्ट मटेरियल से बनाएंगे। इसलिए कि बहुत ज़्यादा गार्डनिंग में पैसे खर्च करने का मुझे वो नहीं है, बहुत इजीली जब हम हर काम कर सकते हैं तो पैसे खर्च करना ज़रूरी थोड़ी है, दूसरे कामों में वो खर्च कर लें, अच्छे कामों में, ये भी अच्छे काम है, लेकिन घर में जब कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे देखे, मैंने इसमें से निकाले, इसको इसमें लगाया, और दिखाती हूँ आपको मैंने कहाँ लगाया। मैंने इसमें से निकाल के 2-3 लगाए, एक तो मैंने देखे इसमें से कैसे किया, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किया कैसे, थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूँ कि अगर आप लगाना चाहें 1-2 दिन में तो आप लगा सकते हैं। मैंने किया क्या, अभी देखिए इसके मैंने 4-5, एक ये 2 ये 3 ये 4, मैंने किया क्या कि यहाँ से ये प्लांट्स निकलते हैं। देखिए ना ये प्लांट्स निकलते कैसे, मैं आपको एक प्लांट इसमें से दिखाती हूँ, तो मैंने उसको किया है, कौन सा दिखाऊँ आपको, ये देखिए, ये जो है ना, ये यहाँ से, तो यहाँ से ये प्लांट्स निकलते हैं, सही है। अगर मैं यहाँ से तोड़ना चाहूँ तो मैं ये तोड़ूँगी तो मेरी ये रूट्स भी मिल जाएंगी, मुझे इसकी इतनी सारी रूट्स मिल रही हैं, तो यहाँ से जो मैं कट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं कट कर दूँगी और ये पूरा प्लांट निकाल के लगा दूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको लगाया है, मेरी इसके अंदर बहुत सारे यहाँ से प्लांट्स निकले हुए थे, ऐसे प्लांट्स निकले हुए थे और एक लंबी लंबी रूट्स इनकी जा रही थी, तो मैंने वो निकाला और निकाल के मैंने देखे एक ये पॉट तैयार किया है, ये वाला और एक ये वाला पॉट तैयार किया है। तो ये 2 पॉट मैंने इस तरह, मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है वो इस तरह के फाइलोडेंड्रॉन के प्लांट हो गए हैं। और अभी मैंने पानी भी नहीं डाला है, इसलिए मिट्टी काफ़ी गीली थी, तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है वरना फ़ौरन ये हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो ये भी चेक कीजिए आप कि अगर लगाइए मिट्टी, पानी, सॉइल बहुत गीली हो तो आप उसको पानी मत डालें, थोड़ा सा वेट करें। देखिए ये मैंने भी लगाया, ये वाला लगाया मैंने अभी, ये पॉट लेकर आए, ये लगाया, और मैंने क्या किया है, और मैंने ये देखिए, ये मेरा अम्ब्रेला ट्री जो होता है, तो ये जो है प्लांट, अम्ब्रेला प्लांट, मैंने इसको भी किया है, इसमें से निकाले हैं और ये काफ़ी कंजस्टेड हो गए थे। तो किया ये जाता है कि जब प्लांट बहुत कंजस्टेड हो जाए और रूट्स आपको डैमेज होने का चक्कर लगे, ये डैमेज हो जाएंगे, तो आप उसको निकालिए, हल्का हल्की सी मिट्टी झाड़िए, उसके बाद उसको आप पानी में, किसी पॉट में, किसी केन में, किसी जगह भी आप उसको वॉश कर दीजिए, सारी जड़ें अलग हो जाती हैं, फिर आप आराम से उसको सेपरेट कीजिए और मुख्तलिफ पॉट्स में लगा दीजिए। तो मैंने देखिए ये लगाया है, एक मैंने इसमें लगा दिया है और एक मैंने इसमें लगाया है, तो इस तरह मेरे ये 2 तैयार हो गए हैं और बाकी मैंने इसी में लगा दिया है कि अभी जब ये पॉट नहीं है,
इसी तरह देखें, ये मैंने प्रेयर प्लांट जो मैंने आपको बताया था इसके भी देखें, इस वक्त इसके लीव बंद हो गए हैं, बंद हैं, अभी भी बंद है। धूप में रखूँगी तो ये खुल जाए, हल्के से मतलब जगह पर रखूँगी जहाँ हल्के से इंडायरेक्ट सनलाइट आएगी तो ये खुल जाएंगे। अभी चूँकि मैंने लगाया है थोड़े से, इसको भी शॉक में चला गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम इसको अभी यहाँ रखेंगे। और ये देखिए मैंने ये लगाया है, ये देखिए ये मैंने लगाया है निकाल के, अभी इसकी भी ज़मीन यानी मिट्टी अभी गीली है, मैंने एक इसमें लगा दिया है और एक मैंने ये लगाया है। तो ये काम बड़े मज़े के लगते हैं जब एक पॉट से हम प्लांट से हम कई प्लांट तैयार कर लेते हैं। स्पाइडर प्लांट भी मैंने लगाया है, इसको भी मैंने थोड़ा ठीक किया है, बिल्कुल सॉइल नहीं थी और इतना अच्छा हो रहा है, तो इसको भी मैंने ज़रा सा पीछे करके लगाया है। अब ये देखिए इतने सारे ये हो रहे हैं, तो अब कितने पॉट्स चाहिए इसके लिए, और मेरे पास अब पॉट्स बिल्कुल भी नहीं है, और इसलिए कि भी सर्दियों की वेजिटेबल भी लगानी है, उनके लिए भी पॉट्स चाहिए, तो पॉट्स नहीं है। और मैं बनाने जा रही हूँ प्लास्टिक के, जो बहुत सारे मेरे पास प्लास्टिक की बॉटल्स हैं और चीज़ें हैं, केन्स हैं, उनको मैं काट के पॉट बनाने जा रही हूँ, और अभी मैं शाम तक बना लूँगी, तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मैं कोशिश करूँगी, आज ही अपलोड कर दूँ या कल करूँ, तो वो मैं बना के उसमें लगाऊँगी। अब प्लास्टिक के पॉट में मैं आपको बताऊँगी, बहुत सारे लोग ने कई दफ़ा मुझे, जब से मैंने चैनल खोला है बहुत सारी दफ़ा मुझे क्वेश्चन आते हैं कि प्लास्टिक के पॉट्स में हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। देखिए बिल मैं आपको, मैंने इस पर कई वीडियोज़ डाली हैं और मैं आज फिर बनाने जा रही हूँ, इसलिए कि इतने पॉट्स ख़रीदना वाकई में बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, इतने सारे पॉट्स हर वक्त लेके आना, घर वालों से भी डांट पड़ती है हर वक्त पॉट्स चाहिए तो क्या करें, तो इसलिए इस तरह के पॉट्स। आप देखें मेरे पास बहुत पॉट्स हैं, मैं आपको दिखाऊं मेरे पास कितने पॉट्स हैं, और कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है इन पॉट्स को कि बस थोड़ी सी बातें आप लोग याद रखिए ना। देखिए मेरे पास हैं कितने अच्छे ये प्लांट्स हैं, ये देखें ये प्लांट देखिए आप ये देखें, छोटे छोटे पॉट में इतने अच्छे ये प्लांट्स कितने कंजस्टेड हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस पर कलर करके जो आप रख दें तो फिर कितना अच्छा है, आप देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है और कितना अच्छा हो रहा है। आप मेरा ये देखिए, आप ये देख रहे हैं मेरा एरो हेड का कितना अच्छा हो रहा है, और ये प्लास्टिक के पॉट में, तो मैं आप लोगों को कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि आपको रखना कैसे, प्लास्टिक के पॉट में किस तरह आपने रखना है, कैसे पानी डालना है। अब आप देखिए कितना अच्छा है, अब मैं लाऊं उसके लिए पॉट लाऊं तो देखिए कितना अच्छा है, पॉट नहीं भी है और कितने सारे प्लांट लग रहे हैं। इस तरह के छोटे छोटे पॉट बना के आप कलर करके आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, किसी के घर जाएँ तीन चार पॉट ले जाएँ, इससे अच्छा गिफ्ट मेरा नहीं ख्याल में कोई और हो सकता है। उसको भी प्लांट से मोहब्बत होगी, एक तो उसको पानी कम डालना पड़ेगा और वो खुद भी खुश होगा, ठीक है। और मुझे अक्सर लोगों ने कहा आप कलर नहीं करती हैं, तो यकीन जाने इतने काम होते, कलर मेरा हमेशा रह जाता है, कलर मैंने किए हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैंने कलर नहीं किए, लेकिन पॉट इतने सारे हो जाते हैं और कलर जो है वो बार बार मैं वॉश करती हूँ तो अक्सर कलर ख़राब हो जाते हैं, पॉट्स टूट जाते हैं, नए नए पॉट लाती हूँ और फिर उनको बहुत छोटी प्लेस में रखती हूँ, पानी डालती हूँ, तो कई पॉट ख़राब हो जाते हैं और कलर करना मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। करूँगी, मैं करती तो रहती हूँ। देखिए ये सारे मैंने चाइनीज़ एवरग्रीन के प्लांट मैंने इसमें लगाए, अभी इसको भी वॉश करना है मुझे, तो काफ़ी काम है अभी किचन में। और फ्राइडे, आप जानते हैं फ्राइडे के दिन वैसे भी कितना मुबारक दिन है और कितनी हमें वैसे भी नमाज़ें और कुरान ये सब तो लाजमी इस दिन किया जाता है, और रोज़ाना ही खैर होता है लेकिन आज के दिन काम ज़्यादा होता है फ्राइडे के दिन। तो आप ये देखें कि ये मैंने अभी शिफ्ट किया है इसके अंदर, तो इसको वॉश वॉश करूँगी शाम तक, देखें और फिर पॉट्स भी कुछ बनाऊँगी और फिर आपको बताऊँगी कि मैंने क्या बनाया है, और मैं फिर लगाऊँगी और बताऊँगी भी आपको। तो देखें ये मैंने इसमें लगाया है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इस तरह के पॉट मैंने 400 का लिया था नुमाइश से, हाथ भी सारे ऐसे हो रहे हैं, 400 का लिया था, और अब देखें आप उसके अंदर मैंने ये प्लांट लगाए हैं। इसी तरह मैं आपको दिखाऊँ, आज देखें यहाँ देखें मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसके सारे कट कर दिए, पत्ते बहुत बिल्लियों ने ख़राब किए थे, देखिए थोड़े से रह गए, और ये देखिए फ्लावर भी इसमें खिल गया है, कितना क्यूट सा खिला है, देख रहे हैं आप फ्लावर खिला है। और इसको अब मैं इसको भी करूँगी, तो आप भी जल्दी जल्दी कर लीजिए, सीज़न बहुत अच्छा है, और आप ये देखें मैं इसको भी अभी नीचे करना है, पॉट्स की कमी है तो इंशाल्लाह करूँगी, और कटिंग भी जल्दी जल्दी लगा लीजिए, अभी भी रेनी सीज़न ही चल रहा है। बस मुझे ये आप लोगों को बताना था। और कल हुआ क्या कि ऊपर से जो ये पॉट्स हैं, ये गमला ऊपर से गिरा और मेरे मनी प्लांट का काफ़ी बड़ा असर हो गया, अभी देखिए काफ़ी बड़ा असर हो गया, सब टूट गए, ब्रांचेस टूट गई, तो इसका भी अभी करना है, इसको भी ठीक करना है। तो सारे छोटे छोटे काम हैं जो रोज़ाना ही हमें करने पड़ते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।